मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लंबे इंतजार के बाद जब चयनित शिक्षकों की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई, तब प्रदेश भर से महिला शिक्षक खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने भोपाल पहुंच गई। हाथों में राखी से भरी थाली और पोस्टर लेकर ये महिलाएं बीजेपी कार्यालय के बाहर आ पहुंची। सीएम को राखी बांधने के लिए भोपाल आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, इसीलिए पुलिस ने पहले से ही बीजेपी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। बीजेपी कार्यालय के बाहर पहले ही बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी थी। महिला शिक्षकों को पुलिस ने बीजेपी कार्यालय में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर महिलाएं सड़क पर ही बैठ गयी। प्रदेश भर से महिला शिक्षक आज अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर भोपाल पहुंची है। नियुक्ति में हो रही देर को लेकर अपना प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए सीएम को राखी बांधने आई है। सीएम को राखी बांधने के बाद उन्हें गिफ्ट के तौर पर जल्द से जल्द बस नियुक्ति चाहिए। मध्य प्रदेश में करीब 30,000 चयनित शिक्षक पिछले दो सालों से अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं। सरकारी लेट लतीफी के विरोध में चयनित शिक्षकों ने कई मर्तबा प्रदर्शन भी किया है। हाल ही में चयनित शिक्षकों के एक समूह ने राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में कान पकड़कर सांकेतिक विरोध भी किया था। हाँ, मैं हम लोग यहाँ सभी बहनें दिख रही हैं आपको, सभी बहनें मामा जी को, मामा जी हमें भांजी बोलते हैं, तो हम उन्हें राखी बांधने, क्योंकि त्यौहार आ रहा है राखी का सामने, हम उन्हें राखी बांधने आई हैं और बदले में उनसे नियुक्ति पत्र लेने आई हैं। हमने 2018 शिक्षक पात्र परीक्षा पास की है और हम चयनित होकर आए हैं, हम मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। हम लगातार 3 वर्षों से मामा जी से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामा जी हमें आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करी, उनसे गुहार लगाई, तो वो बोलते 15 अगस्त को लड्डू आप स्कूल में खाओगे, लेकिन 15 अगस्त गया, हम सड़क की धूल चाट रहे हैं आज बैठ के। हम हजारों की संख्या में बैठी हुई हैं, सुबह से लेकर शाम होने को है, हम अभी तक यहाँ पर बैठी है। अगर मामा जी आज नहीं आते तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम घर से अपने बच्चों की कसम खा के निकले हैं कि नियुक्ति पत्र लेकर ही आएंगे। मामा जी अगर आज नियुक्ति पत्र नहीं देते तो थोड़ा सा जहर ला के दे दे, ताकि हम सब प्रसाद स्वरूप खा ले और यहीं पर सो जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं सहन कर सकते। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मानसिक पीड़ा हमें परेशान कर रही है, दिन भर टेंशन रहता है, रातों में नींद नहीं आती है, बस दिन भर नियुक्ति के बारे में सोचते रहे। हमने परीक्षा पास की है तो हमें नियुक्ति तो मिलनी चाहिए। सर, हम यहाँ हम लोग इस बार मामा जी को राखी बांधने आए हैं। राखी की थालियाँ सभी बहनों के हाथों में है। राखी बांध करके हम लोग नियुक्ति स्वरूप, उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र लेने आए हैं। इस बार हम लोग डट करके बैठे हैं इस उम्मीद में, इस आशा में कि मामा जी आएंगे और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके खुशी खुशी घर विदा करेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है कि जो हमारे मामा जी हैं, श्रीमान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, उनको राखी बांधना है। हम सारी भांजियों आई है उनको राखी बांधने के लिए। वहीं इन शिक्षकों के धरने की जानकारी लगने के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी भी शिक्षिकाओं से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा। शिक्षिकाओं ने गो बैक के नारे लगाए। वहीं इस प्रदर्शन पर जीतू पटवारी का कहना था कि शिवराज सरकार इन शिक्षकों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। राखी पे बहनों को तोहफा दो, राखी के दिन ये भांजियाँ हैं आपकी, इसमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार के लोग आज दुखी है, उनके परिवार वाले कोविड के बाद और दुखी हो गए। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो शिक्षक सेवाएं देता है उसके मानसिक संतुलन का है। वो क्या सोचेगा इस सरकार के लिए, तो कैसा भविष्य बनाएगा व्यवस्था का आगे आने वाले मध्य प्रदेश। मैं मानता हूँ मैंने राखी बंधवाई है, हमारी बहनों ने एक सांकेतिक राखी बांधी और किसी प्रकार का राजनीतिक फुट आंदोलन में न हो, आंदोलन सिर्फ चयनित शिक्षकों का है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी समर्थन दिया था, कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखकर शिवराज सिंह जी से आग्रह किया था। हम बार बार कहते हैं वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक। जीतू पटवारी गो बैक नारे लगाने के बाद चयनित शिक्षकों ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही हमें नचाया है, इसीलिए हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए, हमें केवल नियुक्ति चाहिए। क्योंकि जब ये सच बात है कि जब उनकी सरकार में ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई और इतना पर्याप्त समय था कि हम लोगों की नियुक्तियाँ हो जाती, लेकिन नहीं हुई। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की कि नियुक्तियाँ अटक गई। उसके बाद घटनाक्रम सभी को पता है, बीजेपी की सरकार आई और तब से एक लंबी प्रोसीजर चल रही है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। नहीं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोगों को कई बार बुलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं बुलाया, ये क्लियर झूठ है ना, एक सफेद झूठ जिसको अपन कह सकते हैं वो है ये। जीतू पटवारी भी मिलने आए तो क्या चर्चा हुई, वापस भगा दिया? जी हाँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी राजनेता या राजनीति नहीं चाहते हैं,
सिंपल हम लोगों की जो मांग है वो ये है कि हम लोगों को शीघ्र नियुक्ति मिली है। तो हम लोगों की सबसे पहली जो चयनित शिक्षक संघ जो मध्य प्रदेश है उसकी पहली और सबसे बड़ी शर्त यही है कि हमें किसी उसका सपोर्ट नहीं चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने हमें नचाने का काम किया है और हम कुछ नहीं कर, और हमें किसी नेता ने नहीं बुलाया यहाँ पर और पहले भी नहीं बुलाया, जबकि 1.5 साल इनकी सरकार रही और 1.5 साल ये भी कम से कम हो लिए हैं, 3 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल आश्वासन देते हैं। इनकी सरकार थी तब असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी आश्वासन दिए जाते थे, अब बीजेपी की सरकार है तो फिर से ये आश्वासन का जो कार्यक्रम है इनका चालू है। किसी ने भी हमें एक नियुक्ति नहीं दी है। इनकी जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने आरक्षण का पेच फंसाया, अभी जब बीजेपी की सरकार है तो आरक्षण का पेच फंसाने के चक्कर में ये लोग बार बार, इवन 15 दिसंबर को जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तब से ये कह रहे हैं कि हम लोग जल्द करेंगे, हम लोग इस पर समीक्षा कर रहे हैं। इनकी समीक्षा पूरी नहीं हो रही है, हम लोगों का यहाँ दम निकल रहा है। लोग इसमें अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो हमारे 70 साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि उन्हें उनके परिवार को अब कौन सहारा देगा, उनके बच्चों को कौन सहारा देगा। अभी आप लोगों ने फिर क्या कहा उनको, जीतू पटवारी यादव मिलने से मना कर दिया? हाँ, मिलने से हमारी नहीं सर, सबसे बड़ी बात है हमने मिलने से मना कर दिया, हमने कहा कि राखी का त्यौहार है, आप राखी बंधवाइए और राम राम। मालूम हो कि चयनित शिक्षकों की अधर में लटकी नियुक्ति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हाल ही में यह बयान दिया था कि राज्य सरकार इन शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने को लेकर प्रयासरत है। वीडी शर्मा ने कहा था कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर सक्रिय और संवेदनशील हैं। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।